लेकिन ये भारत का प्रधानमंत्री इतना खलियर है कि खलियर बोले तो बेला है, खाली है बिल्कुल, कि वहाँ न्यूयॉर्क में बैठ के 2 घंटे योग कर रहा है। तो एक 1.5 अरब की आबादी का देश जिसका कि एक स्टेट आग में जल रहा है, लिटरली वास्तव में शाब्दिक रूप से आग लगी हुई है। राष्ट्रपति बाइडेन को पत्र लिखे जा रहे हैं, पीएम के साथ होने वाले डिनर को रद्द करने की मांग भी हो रही है। साथ में ये भी मांग की जा रही है कि बाइडेन पीएम मोदी से कड़े सवाल पूछे, तो क्यों पीएम मोदी का अमेरिका में हो रहा है करने से। और अगर आप बात कर रहे हैं, यानी जो बाइडेन की बात कर रहा हूं मैं, उनके साथी सांसदों ने अगर चिट्ठी लिख करके कहा है कि आप ये बातें भी रखिए, ह्यूमन राइट्स की बात ऊपर रखिए, और ये तमाम बातें अगर सामने आ रही हैं, तो किस मुंह से आप पहुंच रहे हैं, क्या आप दिखा रहे हैं वहां आपका। और ये तमाम तस्वीरें कल के अखबार में छपेंगी, अमेरिका के अखबारों में छपेंगी, जब यूनियन में अगर हेडक्वार्टर में अगर आप जिस वक्त योग कर रहे हैं उसी वक्त आपका प्रोटेस्ट भी हो रहा है। अब इस लाइन को देखिए, कितनी शर्मनाक बात है कि कोई अखबार जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहा है उनके बारे में ये लिखे कि भाषण तो बहुत देते हैं मगर इंटरव्यू कम देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कम करते हैं। लेकिन ये भारत के इंतहा पसंद वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, जिस पर गोदी मीडिया काफी ज्यादा उछल कूद रहा है। गोदी मीडिया को देखें तो ऐसा लगता है जैसे अमेरिका से लौटते ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म भारत की गरीबी और अंधभक्त हिंदुओं की जहालत को जड़ से मिटा देंगे। मोदी मीडिया की लाख कोशिश के बावजूद भी मोदी का दौरा अमेरिका खुद भारतीयों के लिए बायस शर्म बन रहा है, क्योंकि अमेरिका में मौजूद हजारों भारतीयों ने मोदी की इंतहा पसंद सोच और भारत में अकलियतों पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। इसके अलावा भी अमेरिकी कांग्रेस के तकरीबन 70 से ज्यादा अरकान ने सदर जो बाइडेन को खत लिख दिया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि जो बाइडेन मोदी से इसकी इंतहा पसंद सोच और भारत में अकलियतों पर होने वाले मजालिम पर भी कड़े सवाल उठाएं और मीडिया की आजादी के बारे में भी पूछे। गोदी मीडिया के अलावा अगर आप भारत के दूसरे न्यूज चैनल देखें तो आपको ये महसूस होगा कि कैसे मोदी भारत के लिए अमेरिका में बेइज्जती का सबब बन रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भारतीय मीडिया, जो गोदी मीडिया से बिल्कुल अलग है, मोदी के दौरे अमेरिका का पोस्टमार्टम कर रहा है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा शुरू हो चुकी है, इस यात्रा को कवर करने जो गोदी मीडिया गया है उसके कवरेज से है कि अमेरिका में भारत के लो कॉन्फिडेंस का राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है। गोदी मीडिया का उत्साह बता रहा है कि उनके एंकर अमेरिका इसलिए गए ताकि अपने वीडियो में किसी तरह दिखा सकें कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए कितनी भीड़ आई है। इन एंकरों को भारत से तंग आकर या शानदार अवसरों की चाह में अमेरिका में रहने वाले 10-20 भारतीय कहीं भी दिख जाते हैं, ये उन्हें पकड़कर इंटरव्यू करने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीय हैं तो प्रधानमंत्री की तारीफ ही करेंगे, वरना उनका काम भारतीय दूतावास से भी पड़ता है। वीजा का काम हो या पासपोर्ट का काम हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड का भी काम पड़ता होगा तो मोदी करेंगे। कर्नाटका के अभिनेता और एक्टिविस्ट चेतन कुमार अहिंसा ने ट्विटर पर जरा सी आलोचना कर दी तो उनका ओसीआई कार्ड रद्द हो गया। मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूं जो दूरदर्शन पर चला है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने जमा कुछ बुजुर्ग म्यूजिक सिस्टम ऑन कर डांस कर रहे थे, इसलिए दूरदर्शन के एंकर ने उनका इंटरव्यू कर लिया। यूट्यूब में कॉपीराइट के नियम है इसलिए दिखा नहीं सकता, मगर रोहित ने उस वीडियो के आधार पर एक एनिमेशन बना दिया है जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दूरदर्शन की उस रिपोर्ट में क्या चल रहा था। दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है कि 10 लोग म्यूजिक सिस्टम लगाकर गोल गोल डांस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उस समय वॉशिंगटन पहुंचे भी नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास के बाहर ये 10 लोग म्यूजिक बजाकर गोल गोल डांस कर रहे हैं। इसमें एक बुजुर्ग कह रहे हैं कि मोदी जी यूक्रेन की समस्या सॉल्व कर देंगे। 1.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, मणिपुर संभल नहीं रहा है, लेकिन मोदी जी यूक्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। क्या आपको बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा शुरू करने से पहले अपने निवास पर अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया है? इसमें क्या लिखा है इन्हें बताना चाहिए और आपको जानना चाहिए, इसलिए हम बता रहे हैं। इस अखबार में लिखा है कि मोदी जो बहुत भाषण देते हैं बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू करते हैं। भारत की विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीतियों को लेकर 1 घंटे तक वॉल स्ट्रीट जर्नल से इन्होंने बात की। अब इस लाइन को देखिए, कितनी शर्मनाक बात है कि कोई अखबार जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर रहा है उनके बारे में ये लिखे कि भाषण तो बहुत देते हैं मगर इंटरव्यू कम देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कम करते हैं। लेकिन ये बात